बच्चों नमस्ते। आज मैं आपको राग जौनपुरी सिखाना प्रारंभ कर रही हूं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग राग जौनपुरी का परिचय जानेंगे, क्योंकि जब तक हमें परिचय पता नहीं होगा, यानी उस राग के बारे में हम अगर कुछ जानेंगे नहीं, तो फिर हमें गाने में बहुत ही समस्या आएगी, या कहिए कि हम गा ही नहीं पाएंगे। इसलिए हर राग का परिचय जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखते हैं। बच्चों, किसी भी राग का जो है परिचय जानने से पहले सभी जगह आपने देखा होगा कि चूंकि पुरानी चीजें होती हैं, सबसे पहले उन्हें दोहे के रूप में बताया जाता है। तो मैं भी आपको एक दोहा पहले बता रही हूँ। गाधानी स्वर कोमल रहे, आरोहन गाहानी, धागा वादी संवादी से जौनपुरी पहचान। इसमें शॉर्ट में आपको राग जौनपुरी का परिचय पता चलता है, जिसमें कि बताया गया है गाधानी स्वर कोमल है। इसमें आरोह में गा बहुत ही कम मात्रा में लिया जाता है या बिल्कुल ही छोड़ दिया जाता है। धा वादी स्वर है, गा संवादी स्वर है, यही राग जौनपुरी की पहचान है। तो बच्चों, इस प्रकार से आगे अगर समझे कि ये किस थाट से उत्पन्न है, तो यह राग आसावरी थाट से उत्पन्न माना गया है, क्योंकि इसमें गा धा और नी स्वर कोमल लगते हैं। आरोह में गा वर्जित स्वर है और अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसकी जाति षाढ़ संपूर्ण है। और इसका वादी स्वर कोमल था और संवादी स्वर कोमल का है। बच्चों, इस राग को दिन के दूसरे प्रहर में गाते हैं। इस राग की कुछ विशेषताएं हैं जो कि इसको मानते हैं कुछ विद्वान कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की जो थे सुल्तान, उन्होंने इस राग की रचना की। चूंकि वो जौनपुर के थे, इसीलिए यह राग जौनपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस राग को राग आसावरी से बचाने के लिए रे मा और पा बार बार ये स्वर प्रयोग किए जाते हैं। यह राग उत्तरांगवादी राग है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वादी और संवादी के विषय में अगर कोई राग उत्तरांग में वादी स्वर होता है तो वो उत्तरांगवादी राग होता है, और अगर पूर्वांग में वादी स्वर है तो वो राग पूर्वांगवादी माना जाता है। तो राग जौनपुरी उत्तरांगवादी राग है, क्योंकि इसका कोमल धा स्वर जो है वो वादी स्वर है और वो उत्तरांग में आ रहा है। अतः इसका जो चलन है वो अधिकतर उत्तरांग यानी तार सप्तक की ओर ज्यादा इसका प्रचलन है गाने बजाने का। इसमें पा और कोमल गा की संगति बार बार होती है, जो कि मैं अभी आपको गा के बताऊंगी। इसके इस राग के न्यास के स्वर हैं, वो है सा और पा। यानी न्यास के स्वर वो स्वर होते हैं जिन पे आपको बार बार ठहराव देना है, रुकना है। और इसके सम प्रकृति राग है राग आसावरी, जो कि इसका थाट है। बच्चों, राग जौनपुरी और राग आसावरी
के कुछ स्वर मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद में राग जौनपुरी का आरोह अवरोह आपको बताऊंगी। तो राग आसावरी में जिस प्रकार से स्वर लिए जाते हैं वो है सारे और राग जौनपुरी में कैसे लेते हैं वो आप देखिए, सारे मा प ग रे मा प। तो इस तरीके से बहुत ही सूक्ष्म अंतर के साथ इसको अलग अलग पहचाना जा सकता है। बच्चों जो इस राग की विशेष संगतियां हैं, स्वर संगतियां, वो इस प्रकार से हैं, म प ग रे मा प सा रे म प नी ध प म प ध नी सा। इसी के साथ साथ एक स्वर संगति और है जो कि बहुत आपको तुरंत बता देती कि राग जौनपुरी के स्वर है, म प ध म प ग रे म प। इस प्रकार से ये कुछ स्वर संगतियां मैंने आपको बताई जो कि इस राग को स्पष्ट करती हैं कि ये राग जौनपुरी गाया जा रहा है। इसके बाद बच्चों अब मैं आपको इस राग का आरोह अवरोह पकड़ बता रही हूँ। तो आरोह इस प्रकार से है, सा रे मा प ध नी सा। गा वर्जित है इसीलिए जाति षाढ़व है, सा सा रे अवरो सा नी ध प म ग रे सा। अवरो संपूर्ण है यानी सातों स्वर है, पकड़ है म प नी ध प म प ग रे म। बच्चों मैं एक बार और आपको आरोह अवरोह पकड़ इसका गा के बताती हूँ, सा रे मा प ध नी सा, सा नी ध प मा ग रे सा, मा प नी रे मा। बच्चों आज मैं आपको इतना ही बताती हूँ। आज आपने जाना राग जौनपुरी का परिचय, राग जौनपुरी की मुख्य मुख्य विशेषताएं और राग जौनपुरी का आरोह अवरोह पकड़, कुछ मुख्य स्वर संगतियां। अब मैं इसके आगे का आपको कल बताऊंगी। आज इतना ही। आप इसको देखिए, समझिए, कॉपी पर लिखिए और इसके आगे का हम लोग बाद में सीखेंगे। नमस्ते।